कभी हुआ है जिंदगी में या आगे चल के होगा हरेक के होगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों तो पेट में दर्द तो होता ही है तो वो क्यों होता है और उसका कारण क्या है उसका इलाज क्या है क्या ये फूड पॉइजनिंग है क्या ये डायरिया है डायसेंट्री है एटसेट्रा है एटसेट्रा है, है क्या है तो पेट में दर्द मतलब उसको कई लोग स्टमक एक भी कहते हैं कई लोग टमी एक भी कहते हैं कई लोग बेली एक गट एक पता नहीं क्या क्या नाम से कभी किसी को मध्यम मध्यम पेन होता है किसी को बहुत ही खूंखार तरीके से पेन होता है किसी को रुक रुक के होता है किसी को कंटिन्यूस होता है किसी को एक्यूट होता है कुछ दिनों में ठीक हो जाता है किसी को महीनों महीनों सालों तक रहता है सो so, टेक्निकली पेट में दर्द बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बीमारी है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स उसमें बहुत पेट क्योंकि एक एक शहर के बराबर है पेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ से भी दर्द हो सकता है तो फिर टेक्निकली आपको सबसे बड़ी चीज़ जो मानने की ज़रूरत है पते की बात क्या है कि पेट दर्द में कब अस्पताल जाएँ कब ना जाए कब अस्पताल जाए कब ना जाए अगर आपको सिवियर पेन है बहुत पेन है तो जाए बुखार है तो जाए अगर आपके स्टूल में लैटरिन में ब्लड आ रहा है तो जाए अगर आपका परसिस्टेंट बार बार उल्टी हो रहा है परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो जाए वेट लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है पाँच दस किलो हो गया तो जाए अगर आपकी चमड़ी स्किन येलो लग रही है आंखों के व्हाइट हिस्सा येलो लग रहा है तो आपको जॉन्डिस हो रहा है तो अस्पताल जाए टेस्ट कराएं और अगर आपको बहुत ही ज्यादा कमजोरी है और पेट में दबाने से दर्द हो रहा है पेट टेंडर है तो अस्पताल जरूर जाए टेस्ट कराएं और अगर पेट में सूजन आ रही है पेट फूल रहा है तो अस्पताल जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ये याद रखने कंपलसरी जरूरी है बाकी कॉन्सेप्ट समझेंगे आज कि पेट में दर्द हो कैसे सकता है ताकि हमको बेसिक तो पता हो कम से कम किसी का घर में दर्द होता है तो हमें यह पता हो कि ये माइनर चीज़ है मेजर चीज़ है क्या है एबडोमिनल पेन जो बोलेंगे पोटेंशियल कई कारणों से हो सकता है गैस भी हो सकती है इंडाइजेशन भी होता है मसल पेन भी होता है और बहुत ज़्यादा अंदर लिवर है किडनी है अंदर इंटेस्टाइन है अथड़ियाँ हैं कई सारे अंदर के ऑर्गन्स में भी हो सकता है देर इज वन पॉइंट कॉल एज एक्यूट एबडोमिन एक्यूट एबडामिन का मतलब है कि अभी ऐसी बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है एक्यूट एबडोमिन है राइट right. लेकिन वो एक्यूट एबडोमिन पेन मतलब बहुत ज्यादा पेन है उसको बोलते हैं एक्यूट एक तरीके का डायग्नोसिस लेकिन एक्यूट एबडोम पेन को अगर हम बोले मतलब तुरंत डेवलप हुआ है कुछ हफ घंटों में या कुछ दिनों में डेवलप हुआ है इस ये महीनों सालों का नहीं होगा क्रोनिक पेन मतलब जो काफी टाइम से होता जा रहा है कम ज्यादा होता जा रहा है एक्यूट पेन जो होगा वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है ये बात करते हैं कारणों को गिनाते हैं भाई गिनना जरूरी है पेट में सबसे कॉमन है राइट लोअर साइड में आपके हो सकता है अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस वहीं पर लोअर साइड के आ, नीचे साइड में गोल आपका यूरिनरी ब्लैडर है तो सिस्टाइटिस ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है गोल ब्लैडर में बाइल बाइल डक्ट में प्रॉब्लम हो तो कोलेंजाइटिस होगा गोल ब्लैडर में हो तो कोलेसिस्टाइटिस ये सारे मेडिकल नाम हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं एटा एबडोमिनल एटा में एनोरिज्म हो सकता है जो भैया बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है इंटस्टाइनस में डायवर्टिकुलम नाम की चीज डेवलप हो सकती है डिओडेनम नाम का इंटेस्टाइन का एक पार्ट है पहला पार्ट वो इन्फ्लेम हो सकता है फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है लेटरिन में खून लेटरिन uh, के रास्ते में लैटरिन जो है वो लिटरली जमा हो सकती है सो so, लेटरिन भी जमा हो सकती है फीकल इम्पैक्शन हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हैं कॉजेज की बात कर रहे थे कॉजेज में हमारे पास आ जाएगा डाइवर्टोलाइटिस जूरोडोराइटिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसके बाद आपकी जो लेटरीन है जो फीसिस है आपके लैटरिन का काम है मोशन का काम है इसको हम स्टूल बोलेंगे स्टूल जो है आपको अच्छा वर्ड है तो स्टूल जो है वो लिटरली हार्ड होके फंस सकता है उसको बोलते हैं फीकल इंपैक्शन हार्ड एंड स्टूल जो एक जगह फंस सकता है और पेट में जोरदार दर्द कर सकता है तो इसके वजह से क्या होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंटू ससेप्शन इंटू ससेप्शन मतलब इंटेस्टाइन जो है नॉर्मली ऐसा होता है वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ गया एक के ऊपर एक चढ़ गया तो इंटू इंटोससेप्शन बोलते हैं पेट में कोई लात मार दी इंजरी हो गई तब भी दर्द होगा किडनी में इन्फेक्शन हो गया किडनी में स्टोन हो गया लिवर में एप्सस हो गया मिजेंट्रिक इंस्टीमिया मिजेंट्रिक लिम्फ नोड बढ़ गए मिजेंट्री मतलब इंट आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास जो फैट का लेयर है उसको उसमें जो जो जॉइंट है उसको मिजेंट्री बोलते हैं मिजेंट्री मतलब जहाँ से इंटेस्टाइन जो है पेट के पीछे चिपका हुआ है वो वो फाइब्रस टिश्यू को मिजेंट्री बोलते हैं इवन हार्ट अटैक अगर हो दिल का दौरा पड़े तब भी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और पैनक्रियाटाइटिस है जो बिल्कुल वहीं होगा पीछे सीधा जाएगा पैनक्रियाटाइटिस पेरिकार्डाइटिस हार्ट के आसपास का पेरिकार्डियम अगर पेन होता है तो भी दर्द होगा पेरिटोनाइटिस यानी कि पेट के जो ऊपर की कवरिंग होती है उसमें अगर हो गया यानी पेट में अगर मान लीजिए अल्सर हो के छेद हो गया तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है पेट में इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है और निमोनिया में भी कई बार पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि लंग्स के आसपास नीचे वहाँ पर दर्द होगा पलमनरी इन्फॉक्शन में पेट में दर्द हो सकता है स्प्लीन में चोट लग जाए स्प्लीन रप्चर हो जाए जैसे कई जैसे शायद अमिताभ बच्चन जी की भी स्प्लीन रप्चर हुई थी लेरोंसिंग, मैनजाइट मिजेंट्राइटिस पता नहीं क्या क्या है शिजल शिंगल्स uh, और स्प्लिनिक एप्सेस, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इवन यू टी आई से पी आई डी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और वायरल गैस्ट्रो एंट्राइटिस ये सारे जो है सिर्फ एक्यूट <coughs> बीमारी के रीजनस हैं अभी तो क्रोनिक के आने बाकी हैं क्रोनिक बीमारी यानी रह रह के आने वाले में हार्ट का एंजाइना पेट का सीलिया डिजीज फीमेल्स का एंडोमेट्रियोसिस गॉल स्टोन्स गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रो इंट्रोफिज इसोफिजल रिफ्लक्स डिजीज हयाटस हर्निया बार बार एसिड ऊपर आ रहा है इनग्वाइनल हर्निया इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम फंक्शनल डिस्पेप्सिया ओवेरियन सिस्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पेप्टिक अल्सर सिकल सेल एनीमिया अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सारी बीमारियाँ हैं सोचिए उसके अलावा और भी कैंसर क्रोन्स डिजीज गोल ब्लैडर कैंसर इनलाज पिनोमेगैली हेपेटाइटिस किडनी कैंसर लेड पॉइजनिंग लिवर कैंसर नॉन हॉजकिस लिम्फोमा पैनक्रियाटाइटिस स्टमक कैंसर हे भगवान इतनी सारी बीमारियों के बीच एक गरीब डॉक्टर को डायग्नोस करना पड़ता है कि भई ये हुआ क्यों है ना सो so, डायग्नोसिस के लिए सबसे बेसिक टेस्ट किया जाता है पहले तो जैसे मैंने बताया अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है जो हमने आपको बताया था कि अगर फीवर है ये पेट में बहुत ज़्यादा उल्टी बुखार हो रहा है खून आ रहा है वेट लॉस हो रहा है चमड़ी येलो हो रही है पेट दबाने से दर्द हो रहा है या पेन सूझ रहा है पेट सूझ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए डॉक्टर क्या करेगा आपका डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेगा अल्ट्रासाउंड और पेट को एग्जामिन करेगा कई बार पेट को एग्जामिन करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो है ये क्या हो सकता है कई बार हमें आइडिया मिल जाता है कई बार हमें आइडिया नहीं मिलता और क्वाइट फ्रेंकली सोच के देखो अल्ट्रासाउंड एक 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 टेक्निक है अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड से हमें यह पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में पेट में इंटेस्टाइन्स, लिवर किडनी गॉल ब्लैडर स्प्लीन यूरिनरी ब्लैडर इन सब की क्या सिचुएशन है इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब में कोई परेशानी तो नहीं है इन सब में अगर कोई परेशानी निकल के आती है तो फिर उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का क्या मतलब कि मान लीजिए अगर आपके इंटेस्टाइन्स में सूजन दिखी तो लिवर किडनी और गॉल ब्लैडर इनके कारण हट जाएंगे फिर हम सिर्फ इंटेस्टाइन की बात करेंगे मान लीजिए लिवर में सूजन दिखती है बहुत ज़्यादा तो लिवर की बात करेंगे कि लिवर में क्या क्या कारण है इस तरह से प्लस फिर इसके साथ क्या किया जाता है मान लीजिए एक चीज़ पता चल गई कि लिवर में है फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन सारे फंक्शन टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो उससे पता चलता है ओके ये तो लिवर में ही प्रॉब्लम है तो इस तरह से एक एक चीज़ का इंडिकेशन मिलता है कि प्रॉब्लम आपकी कहाँ है जिससे फिर एट द एंड ऑफ द डे बीमारी पता चलती है कि ऑल राइट right, ये बीमारी है और इसके लिए फिर हमें फलाना फलाना इलाज करना पड़ेगा सो so, इलाज डिपेंड uh, करेगा आपके कारण से लेकिन पेट में दर्द अगर बार बार हो रहा है तो पहला टेस्ट आप अल्ट्रासाउंड लिवर किडनी सी सी बी सी ई एस आर एच एस सी आर पी पेट का एग्जामिनेशन यूरिन का एग्जामिनेशन लिवर और किडनी का टेस्ट जरूर करवाएं उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाएं अल्ट्रासाउंड से हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी कि पेट में क्या दिक्कत है और आगे इलाज करने में आसानी होगी अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे फिर आगे का टेस्ट डिसाइड होगा कि आपको कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की जरूरत तो नहीं है चाहो तो आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो और फिर आगे सोच सकते कि हो कि चलो अल्ट्रासाउंड हो गया अब आगे क्या करें चाहो तो पहले ब्लड टेस्ट करके फिर अल्ट्रासाउंड करो कायदे से तो पहले अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिससे क्योंकि सेफ़ टेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है उससे ज़्यादा पता चलेगा सो इससे पता चलेगा आपको कि बीमारी क्या है उसका उसके हिसाब से इलाज होगा सो आई होप ये वीडियो बहरहाल अगर किसी को पेट में कहीं भी दर्द हो पेट में दर्द हो तो खाना हल्का खाएं सबसे पहली बात और पानी ज़्यादा पीजिए पानी जो है गर्म करके पीजिए उबला हुआ पीजिए और जो है थोड़ा सा आप हल्का खाना खाने का मतलब है कि मसालेदार नहीं खाएं तेल घी बटर मक्खन मलाई नहीं खाएं और दाल दलिया खिचड़ी ऐसी चीज़ें खास दाल का पानी दलिया खिचड़ी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं और जितना हो सके दूध बंद करें दही खाएँ दूध से जब पेट खराब हो रहा है तो दूध नहीं लेना है और पेट खराब दही ले सकते हैं दही बहुत अच्छा है ये सब गोल ले सकते हैं आप और अगर लूज मोशन बार बार हो रहे हैं तो हर लूज मोशन के बाद में आप एक गिलास हर लूज मोशन या उल्टी के बाद में एक गिलास पानी जरूर पीना है और बार 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 लूज मोशन होना सिर्फ मेन चीज़ आपकी डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से आपको वीकनेस हो जाएगा सो डिहाइड्रेशन का ध्यान दें लूज मोशन का डिफरेंट वीडियो वो जरूर देखें और बाकी सारी बीमारियाँ जो हमने गिनाई वो सारी बीमारियों की का वीडियो है वो सारे जरूर देखें उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आगे एग्जैक्टली आपको क्या करना है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो पीपल कैन अंडरस्टैंड द बेसिक एंड थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी